चलिए प्यारे छात्रों, आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स पढ़ना। पिछले दिन हम लोग फिजिक्स में ये पढ़ रहे थे कि अगर विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बिल्कुल 90 डिग्री पर रहेगा, बिल्कुल दोनों अगर 90 डिग्री पर रहेगा, तो हम लोग अगर किसी आवेश को उसमें गतिशील करेंगे तो हमें कुल बल और कुल वेग कितना होता है। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी, दो न्यूमेरिकल्स भी दिए थे, तो आप लोगों ने अभी तक के कोई सेंड नहीं किया है, आप हमें जरूर सेंड कीजिए, जरूर भेजिए और फिर हम उसका सही आंसर बताएंगे कि क्या है, उसका चेक करेंगे। चलिए आज हम उसका आंसर इसमें नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा कि आंसर क्या है, वो जबरदस्ती फिर लाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप बनाकर रियलिटी जो आंसर आता है आप स्वेच्छापूर्वक आप भेजिए, फिर हम चेक करेंगे। चलिए उसके आगे हम लोग कुछ सीखते हैं। तो उसके आगे हम लोग जो सीखेंगे वो सबसे वीवीआई टॉपिक्स है जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। अब ये साइक्लोट्रॉन के बारे में पूछता है अक्सर कि साइक्लोट्रॉन क्या है, इसके बनावट की चर्चा करें, ये इसके बनावट के सिद्धांतों को लिखें, इसका फिगर को बनाना है, यानी कि फिगर भी रहता है इसमें, उसको बनाना है। तो चलिए आज हम लोग साइक्लोट्रॉन के बारे में स्पेशल सीखेंगे कि ये साइक्लोट्रॉन क्या है, या फिर ये काम क्या करता है, या इसका बनावट कैसा है, इसका फिगर कैसा बनता है, इन सारी बातों पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। तो चलिए सबसे पहले इसका फर्स्ट एरो दीजिए, लिखते हैं पहले कुछ बात, फिर हम लोग आगे काम करते हैं। तो चलिए फर्स्ट एरो देखकर लिखेंगे, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है, जिसके द्वारा प्रोटॉन कॉमा ड्यूट्रॉन पहले छात्रों, ये सब छोटा छोटा पार्टिकल्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है ना, वैसे ही बहुत छोटा पार्टिकल है जिससे हमें नंगी आंखों द्वारा नहीं दिखता है। तो प्रोटॉन कॉमा ड्यूट्रॉन और आयनों को उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए त्वरित किया जाता है। नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे, इस यंत्र का निर्माण लॉरेंज तथा लिविंगस्टन के द्वारा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में 1934 में किया गया था। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि साइक्लोट्रॉन क्या है। तो साइक्लोट्रॉन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि छोटे छोटे जो कण हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, जो कि बहुत छोटा कण है, और उस छोटे कण को हम लोग नंगी आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं, उसी में एक छोटा कण में ड्यूट्रॉन भी है, उसका नाम ड्यूट्रॉन है, या फिर उसको आयन भी बोला जा सकता है, जो छोटे छोटे होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि साइक्लोट्रॉन का मीनिंग क्या है, साइक्लोट्रॉन का मीनिंग है कि वह छोटा से छोटा कण
जिसे हम लोग नहीं देख सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, आयन इटीसी, उसको अगर हमें गतिशील करके, उसको ज्यादा तेजी करके हम लोग ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, वही है साइक्लोट्रॉन। यानी कि साइक्लोट्रॉन एक मशीन है, एक यंत्र है जो काम करता है छोटे छोटे कण को, छोटे छोटे आयन को गतिशील प्रदान करना, उसको तेज गति में दौड़ाना। ताकि ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त हो सके, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्राप्त हो सके। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे छोटे कण को गतिशील करके ऊर्जा की प्राप्ति कराता है, या ऊर्जा हम लोग प्राप्त करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं कि इसका खोज, साइक्लोट्रॉन का मशीन है या यंत्र है, इसका खोज किस किन्होंने किया? तो दो वैज्ञानिक का नाम सामने आता है, लॉरेंज और लिविंगस्टोन। लिविंगस्टोन भी लिख सकते हैं, तो लिविंगस्टन या लिविंगस्टोन, तो उससे नाम से ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि साइक्लोट्रॉन का जो निर्माण हुआ था किसके द्वारा हुआ था? लॉरेंज और लिविंगस्टोन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय जो कि लंदन में है, 1934 में। यानी कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय वो में हुआ था 1934 ईस्वी में साइक्लोट्रॉन का निर्माण। अब हम लोग आइए देखते हैं कि साइक्लोट्रॉन का बनावट कैसा होता है, इसका फिगर कैसा होता है। तो थर्ड एरो में लिखेंगे कि बनावट, बनावट कैसा होता है। तो चलिए आइए देखते हैं बनावट, तो चलिए देखते हैं इसका बनावट साइक्लोट्रॉन का कैसा होता है। जैसा कि आप फिगर में फ्रेश दिख पा रहे होंगे कि सबका नाम क्या क्या है, अभी उसको हम लोग समझेंगे। फिलहाल बनावट में जो डायग्राम बनाना है ये बिल्कुल फ्रेश डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम है आपका साइक्लोट्रॉन का, साइक्लोट्रॉन का ये डायग्राम है। तो चलिए अभी साइक्लोट्रॉन के डायग्राम को हम लोग समझेंगे कि ये है क्या। सबसे पहले ये जो चारों तरफ घेरा हुआ है और इसमें छोटा छोटा जो बिंदु है, इस ये डिनोट्स कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है, जिसका हिंदी होता है चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब क्या हुआ? चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जितना भी डॉट 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 दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को। और ये डॉट का मतलब क्या? अगर मान लिया कि ये आपके सामने रहता मार्कर, तो एक आपको बिंदु के समान दिखता, लेकिन अगर यही चुंबकीय क्षेत्र अगर ऐसे रहता तो आपको एक लाइन की भांति दिखता। लेकिन ये डॉट का मतलब क्या है कि ये चुंबकीय क्षेत्र हमारे तरफ बिल्कुल सामने है, इसलिए पॉइंट जैसा नजर आ रहा है। तो इसका मतलब समझ रहा है चुंबकीय क्षेत्र। और प्यारे छात्रों, ये जो घेरा हुआ है, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बॉन्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिगर जो बनाया हुआ है ये दर्शाया जा रहा है कि जो भी हम लोग यंत्र बना रहे हैं वो यंत्र किस स्थिति में बनता है, तो वहां चुंबकीय क्षेत्र का होना बहुत जरूरी है। ये जो साइक्लोट्रॉन बनता है ये चुंबकीय क्षेत्र में ही बनता है, इसलिए यहाँ पे डॉट 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 लिखा हुआ है, ये चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है। और प्यारे छात्रों, ये एक तांबे के तार के द्वारा, यानी कि कॉपर का तार के द्वारा, एबीसीडी अल्फाबेट का अंग्रेजी का अक्षर डी होता है। आप प्यारे छात्रों, ये डी को अगर पलटेंगे इधर की ओर तो ऐसे नजर आएगा, ये डी का उल्टा ये हुआ, और दोनों डी को सामने लाएंगे तो बिल्कुल ऐसे बनेगा, ऐसे डी बनेगा दोनों को अगर सामने लाएंगे तो। तो कुल मिलाकर साइक्लोट्रॉन में जो कॉपर का तार यूज किया रहता है उसको इस प्रकार से डी के भांति उसको फिक्स किया जाता है। देख पा रहे होंगे मेरा मार्कर को, ये जो ब्लैक मार्कर यूज किया गया है यहां से यहां तक के एक डी के जैसा, अल्फाबेट का एक डी लेटर है उसके जैसा दोनों तरफ, इसीलिए इसको डी भी पढ़ते हैं, इसलिए इसको डी पढ़ते हैं। इसका नहीं, यानी कि साइक्लोट्रॉन का एक भाग का नाम क्या है? डी। जैसे हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में नाक हुआ, कान हुआ, शरीर हुआ, आंख हुआ, कान हुआ, यानी कि ये हमारे शरीर का अंग है, वैसे ही आपको याद रखना चाहिए कि साइक्लोट्रॉन का एक भाग क्या है? डी। इसको हिंदी में बीज बोलते हैं, बीज, डी डबल ई।
और कितने डिज होते हैं, तो दो डिज, एक इधर का और एक इसका उल्टा, यानी कि एक कॉपर तार का बनाया हुआ डिज रहता है और ये दोनों डिज को ऑस्किलेटर के साथ जोड़ दिया जाता है। ये इससे जो तार निकला, इससे जो तार निकला, इसको यहां पे एक खाली जगह है, ये देख लीजिए खाली जगह है, क्यों, क्योंकि यहां ऑस्किलेटर है, यहां पे दौलित्र है। अब यहां पे जो दौलित्र लगा हुआ है यानी कि ऑस्किलेटर लगा हुआ है, ये आपको काम करेगा कि मान लिया कि जब हम लोग को एयर में पंप करते हैं, यहां पे एयर को पंप करते हैं, तो यहां से बहुत सारे एयर जो है निकलते हैं, यानी कि अगर मान लिया कि यहां पे अगर कोई एयर ब्लर है और जब यहां पे जैसे ही हम लोग इसको दबाते हैं तो बहुत सारा एयर यहां से रिलीज होता है, जैसे छोड़ते हैं तो बहुत सारा वो एयर इसमें आ जाता है, और यही क्रिया हम लोग यहाँ पे ऑस्किलेटर काम करता है, यानी ऑस्किलेटर का हिंदी होता है दौलित्र, और ये काम करता है कि इसके अंदर का जो ब्लैंक्स भाग है उसको ऑस्किलेट करने का काम करता है, मतलब यहां पे जैसे ही एयर देंगे तो फटाफट काम करेगा, यहां का आवेश घूमना स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये दोनों डिज के बीच में यहां पे वही छोटा आयन रहता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, जिसका नाम है प्रोटॉन, जिसका नाम है न्यूट्रॉन, यानी कि दोनों डिज के बीच में यहां पे एक डिज इधर हुआ और एक डिज इधर हुआ, और दोनों डिज के बीच में यहां पे एक पॉइंट है एस, और ये एस ऐसा पॉइंट है जहां पे प्यारे छात्रों यहां पे हम लोग छोटा छोटा, जैसे कि जिसको हम लोग नंगी आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि प्रोटॉन, जैसे कि न्यूट्रॉन, ये छोटी छोटी वे कण है जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, और जिसको देख नहीं सकते उसको कहां रखना है, दोनों डिज के बीच में रखना है। अब जब दोनों डिज के अगर बीच में रख दिए तब हम लोग ऑस्किलेटर का काम शुरू करेंगे, यानी कि ये काम करता है, और जैसे ही इसको ऑस्किलेटर का काम शुरू करेंगे यहां से वो छोटा कण जो होगा फटाफट दोनों डिज में, यानी कि एक बार यहां से चलना शुरू करेगा तो एक डिज से दूसरे डिज में, और चूंकि दूसरे डिज में भी तो ऑस्किलेटर का पावर है तो ये भेज देगा दूसरा, और ऐसे करते 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 इतना इसका वेलोसिटी, इतना इसका गतिशील तेज हो जाता है कि हमें हाई फ्रीक्वेंसी का हाई पावरफुल एनर्जी प्राप्त होता है। यानी कि कुल मिलाकर हम ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई छोटा कण जो नंगी आंखों द्वारा नहीं दिख सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसको हम लोग इसी में इस्तेमाल करते हैं, साइक्लोट्रॉन की सहायता से उसको उच्च गति देकर, हाई गति देकर, हाई वेग देकर उसे हाई ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो ऐसा ही काम कर सकता है। यानी ऑस्किलेटर काम क्या कर रहा है कि उसके बीच में जो छोटा कण है उसको गति प्रदान करने का काम कर रहा है, और इसमें एक ऐसा व्यवस्था है कि अगर जैसे ही अगर डिज पहला डिज में जाएगा तो वो रुकेगा नहीं, क्योंकि यहां ऑस्किलेटर दिया जा रहा है तो यहां से फटाफट भागेगा दूसरे में और दूसरे से तीसरे में, ऐसा करते 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 हाई वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। जैसे कि आप मान लिया कि एक फैन है और जब आप इसको चलाते हैं तो इधर से एयर जा रहा है और फिर इधर से भी एयर आ रहा है, तो इस तरह से दोनों को घूमने में आसानी होता है, तो सिंपल यहां भी उसी तरह का काम कर रहा है। और जो छोटा आयन घूम रहा है उसको पढ़ते हैं हम लोग, बोलते हैं बीम, और जिससे चूंकि डिज है ना तो डिफ्लेक्टर प्लेट हुआ, डिफ्लेक्टर का मतलब जैसे कि परावर्तन और अपवर्तन पढ़े है ना, परावर्तन का मतलब उससे लौट कर और प्रकाश का आना, सेम वैसा ही है, ये डिफ्लेक्टर प्लेट कहलाता है, डी जो है एक डिफ्लेक्टर प्लेट है, मतलब कि यहां से ये मुड़ने का काम करता है, जैसे कि यहां से ये आया, यहां से मुड़ गया, और आप देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे जैसे गतिशील ज्यादा तेज होगा डीज की त्रिज्या भी उतना ही बढ़ेगी। तो ये साइक्लोट्रॉन का बनावट है, सबका इस्तेमाल कैसे करते हैं, यानी कि यही मेन काम है ऑस्किलेटर का, ऑस्किलेटर ही मेन काम करता है, अगर ऑस्किलेटर नहीं होता तो यहां पे गतिशील नहीं हो सकता है। डिज का काम क्या है, डिज का काम केवल ये है कि वो अपने पास किसी भी आयन को नहीं रख सकता है, वो डिफ्लेक्टर प्लेट कहलाता है, डिफ्लेक्टर प्लेट का मतलब हुआ कि वो उसके पास जो आयन रहेगा उसको मूव करके दूसरे प्लेट में भेज देगा। तो अब ऑस्किलेटर चूंकि जोड़ दिए हैं, ऑस्किलेटर काम करता है एक प्लेट से दूसरे प्लेट में डालने का, तो ये अभी हम लोग समझ रहे थे साइक्लोट्रॉन के बनावट का, कि ये किस तरह का इसका बनावट रहता है, तो इस बनावट को अच्छे ढंग से इसको
फिगर को नोट कर लेना है। अब चलिए इसके बारे में कुछ लिखते हैं बात कि ये फिगर में क्या क्या है। तो फिगर के नीचे एरो देंगे, फिगर के नीचे एरो देंगे, लिखा जाए साइक्लोट्रॉन में तांबे की प्लेट से बने अर्धवृत्ताकार चक्री का जैसे दो पात्र होते हैं ये पात्र अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कैपिटल डी जैसे दिखाई देते हैं अतः इन्हें डिज कहा जाता है। डिज बोले ना, अंग्रेजी वर्णमाला के डिज जैसा दिखता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डिज कहा जाता है। अब नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे दोनों डिजों को अत्यधिक उच्च आवृत्ति के ऑस्किलेटर ब्रैकेट में दोलित्र, ऑस्किलेटर का हिंदी होता है दोलित्र, ऑस्किलेटर ब्रैकेट में दोलित्र से जोड़ दिया जाता है। ताकि दोनों डीजों के बीच लगभग 10 के पावर 5 वोल्ट का विभवांतर रह सके। जी हाँ, ये बताना हम भूल गए थे कि अगर ये दोनों डिज को ऑस्किलेटर से जोड़ते हैं तो इस डिज यानी दोनों डिजों के बीच में विभवांतर कितना होता है, याद रखिएगा 10 के पावर 5 वोल्ट। और एक और चीज याद रखिएगा कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो 10 के पावर लगभग 6 के आसपास होता है। जस्ट मिनट, 1.6 टेस्ला होता है। हम लोग जानते हैं ना कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। तो आपको ये याद रखने का जरूरत है कि दोनों जो डिज है, उस दोनों डिज को ऑस्किलेटर से जब जोड़ते हैं तो दोनों डिज के बीच में कितना विभवांतर रहता है, पूछा जा सकता है सवाल में 10 के पावर 5 वोल्ट। और जो साइक्लोट्रॉन बनाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में बनाया जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू कितना होता है, 1.6 वोल्ट टेस्ला होता है। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है, 1.6 टेस्ला। यानी कि कुल मिलाकर हम ये बात कर रहे हैं कि दोनों डिज को ऑस्किलेटर से जोड़ेंगे तो विभवांतर कितना होना चाहिए, 10 के पावर 5, और चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू उसमें कितना होना चाहिए, 1.6 टेस्ला। चलिए अब उसके आगे एरो देते हैं, लिखेंगे डिज के अंदर आवेशित कण विद्युत क्षेत्र से परिरक्षित होते हैं। का मतलब कि कोई माने मतलब नहीं है विद्युत क्षेत्र से, यहां पे सिर्फ और सिर्फ हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र। यहां से हमें परिरक्षित का मतलब फ्री होते हैं, किससे, विद्युतीय क्षेत्र से। यानी कि यहां पे जो दोनों डिज के बीच में आवेश है,
ये आवेश जो है विद्युत क्षेत्र से परिरक्षित होते हैं, केवल ये किसमें रहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रहते हैं। यहाँ पे जो एस है, एस के बीच में, दोनों डिज के बीच में ये खाली जगह है, यहीं पे वो छोटे छोटे कण रहते हैं, आवेशित कण दोनों डिजों के बीच में। हालांकि यहाँ पे कोई विद्युतीय क्षेत्र नहीं होता है, परिरक्षित होता है, परिरक्षित रहता है। नेक्स्ट एरो, साइक्लोट्रॉन जिस चुंबकीय क्षेत्र में रहता है, साइक्लोट्रॉन जिस चुंबकीय क्षेत्र में रहता है उस चुंबकीय क्षेत्र का मान वन पॉइंट सिक्स टेस्ला होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि जहां पे साइक्लोट्रॉन बनाया जाता है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का जो वैल्यू होता है वो 1.6 टेस्ला होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे साइक्लोट्रॉन में आयनों का आयन का मतलब यहां पे जो रहता है जो बीच में रहता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन, साइक्लोट्रॉन में आयनों का वेग, आयनों का वेग ब्रैकेट में वी इज इक्वल टू क्यू बी आर बट्टा एम होता है, भी बराबर क्यू बी आर बट्टा एम होता है, जहां भी का मतलब आयन का वेग, आयनों का वेग, क्यू का मतलब हुआ आवेश, बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और आर का मतलब ये जो आर का मतलब ये जो डीज है, यही डीज की त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक, सभी त्रिज्या सेम ही होगी ना, क्योंकि एक वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, सेम होती है। तो ये फिगर में ये नहीं बनाना है, ये हम अभी बता रहे थे, फिगर इसको छोड़ के बनाना है, त्रिज्या को नहीं दिखाना है। तो आर का मतलब क्या हुआ, डीज की त्रिज्या, और एम का मतलब क्या, तो ये द्रव्यमान, जो आयन घूम रहा है, जैसे मान लिया कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो यहां पे आप याद रखिएगा कि जो आयन डीज में साइक्लोट्रॉन में घूमता है उसका चाल कितना होता है, तो उसका चाल होता है वेग क्यू बी आर बटा एम। अच्छा, अब हम लोग उसके नीचे आ देंगे, लिखेंगे साइक्लोट्रॉन में आयनों का गतिज ऊर्जा ब्रैकेट में ई बराबर क्या होता है, हाफ एम भी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो हाफ रखेंगे, एम रखेंगे, भी स्क्वायर का मतलब क्या, इसका स्क्वायर, क्यू बी आर बट्टा एम का होल स्क्वायर। अब हाफ इंटू एम इंटू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बट्टा एम स्क्वायर, तो कुल मिलाकर कितना वैल्यू हो गया, तो एम से एम एक ठो कट जाएगा तो यहां बच जाएगा, इसलिए ई बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटा एम। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए प्यारे छात्रों, तो साइक्लोट्रॉन को में जो आयन रहता है उसका वेग कितना होता है, क्यू बी आर बटा एम, और साइक्लोट्रॉन में जो आयन गतिशील होते हैं उनका विद्युत सॉरी ऊर्जा कितना होता है, तो हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटा एम। जहां यहां पर जो क्यू भी बी आर है वैसा ही यहां पर भी है, क्यू आवेश, बी चुंबकीय क्षेत्र,
आर डिस्क की त्रिज्या और एम उस आयन का द्रव्यमान जो घूम रहा होता है साइक्लोट्रॉन में। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे थे कि साइक्लोट्रॉन का कितना वैल्यू होता है, उसमें वेग कितना होता है, उसका बोल सकते हैं तो उसका ऊर्जा कितना होता है। ये रहा साइक्लोट्रॉन का कुछ वैल्यू, किसका किसका वैल्यू, तो साइक्लोट्रॉन में गतिशील आयन का वेग और साइक्लोट्रॉन में गतिशील आयन का ऊर्जा कितना होता है वो हम लोग अभी फाइंड आउट किए। चलिए और इसमें अब उसके नीचे एरो देंगे, नेक्स्ट एरो लिखा जाए साइक्लोट्रॉन के उपयोग निम्नलिखित है। साइक्लोट्रॉन के उपयोग निम्नलिखित है, पहला पहला नाभिकीय अभिक्रिया के अध्ययन में, नाभिकीय अभिक्रिया के अध्ययन में, दूसरा दूसरा नए पदार्थों को संश्लेषित करने में, नए पदार्थों को संश्लेषित करने में, तीसरा रोग उपचार के लिए, रोग उपचार के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ को, रेडियो एक्टिव पदार्थ को उत्पन्न करने में, रेडियो एक्टिव पदार्थ को उत्पन्न करने में। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि अब साइक्लोट्रॉन का पहला उपयोग कहाँ है, तो जहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, जहां पे न्यूक्लियर अभिक्रिया होता है वहां पे ये प्रयोग किया जाता है, प्रयोगशालाओं में अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों द्वारा ये उपयोग किया जाता है। और दूसरा बोल रहे कि पदार्थों को संश्लेषित करने में, जैसे मान लिया कि कोई नया पदार्थ बनाना है तो वहां पे हाई ऊर्जा देकर उस पदार्थ को नए तरीके से उसको डिराइव किया जाता है, नया कुछ पदार्थ बनाने के लिए उसको संश्लेषित किया जाता है। और तीसरा क्या है, रोग रोग के उपचार के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव पदार्थ का मतलब क्या, जो न्यूक्लियर रिएक्शन में भाग लेने वाले होते हैं, जैसे थोरियम, ये सब सारा जो तत्व है वो हमेशा रेडियो एक्टिव तत्वों में माने जाते हैं। और इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, तो कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो रेडियो एक्टिव है और उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग रोगी के उपचार में, जैसे कैंसर के रोगी में भी, कैंसर का जो उपचार होता है वो भी एक रेडियो एक्टिव तत्व से ही हम लोग उसको ठीक करते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये रोगी के उपचार करने में भी हमें साइक्लोट्रॉन की मदद होता है, साइक्लोट्रॉन मदद करता है रोग के उपचार करने में, कैसे रोग को, जो रेडियो एक्टिव तत्व से ठीक होते हैं। और दूसरा कि नए पदार्थों को बनाने के लिए, संश्लेषित करने के लिए भी हम लोग साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये हम लोग साइक्लोट्रॉन के बारे में सीख रहे थे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है एक फिजिक्स के चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर से। अक्सर पूछा जाता है कि साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन को परिभाषित कीजिए, साइक्लोट्रॉन के बनावट की चर्चा करें, इसके फिगर को लिखें, इसमें क्या है, सब चीज को लिखना है। तो आज तक की इतना ही क्लास को एंड करते हैं, साइक्लोट्रॉन हम लोग पढ़े, आगे आने वाले क्लास में, अगले वीडियोज में हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स को सीखेंगे, इसके आगे टॉपिक्स को समझेंगे। धन्यवाद।